मैंने पहली बार ही दबाया था कुछ बार बार क्या था पता है हाँ खुलता था 14 सेकंड की हुई थी कुछ तो कहाँ से स्टार्ट करने से हाँ तो चलिए इस वीडियो में आज हम बात करते हैं हमारी स्टेप टू की IUPAC नोमेनक्लेचर की। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टेप टू में हमें करना है सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन, प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन हम कुछ इस तरह से करेंगे कि अगर हमारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है वो कवर्ड हो जाए, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स कवर्ड हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम कवर्ड हो जाएं, देन ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट कवर्ड हो जाएं। इसी ऑर्डर को हमें फॉलो करना है जब हमें सिलेक्ट करना है क्या प्रिंसिपल कार्बन चेन। इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल में अगर देखें तो पहली स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सर यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप है तो यही मेरा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सेकंड स्टेप पर मूव करना है, सेकंड स्टेप में हमें सिलेक्ट करना है हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन को जब सिलेक्ट करना है तो एक पॉइंट यहां पर आता है कि अगर हमारी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो हमारी कार्बन चेन उस कार्बन से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब वो कार्बन मेरी प्रिंसिपल कार्बन चेन का एक टर्मिनल बन जाएगा। तो यहां से मैं एक टर्मिनल बनाना स्टार्ट करता हूं, ये कार्बन मेरे लिए क्या होगा एक टर्मिनल हो गया। मतलब मेरी कार्बन चेन इस कार्बन से स्टार्ट हो गई है, अब मुझे क्या करना है इस कार्बन चेन को मूव करना है और ये मेरी प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्ट हो चुकी है। सेकेंड एग्जाम्पल को अगर देखें तो यहां पर जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन कंटेनिंग नहीं है, तो उस केस में हम क्या करें सर, उस केस में हम उस कार्बन को सिलेक्ट करेंगे, उस कार्बन को कवर्ड करेंगे जिस कार्बन से हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो इस कार्बन से अटैच है मतलब इसे मुझे कवर्ड करना है। कवर्ड करने का मतलब है दोनों साइड से कवर्ड करना। तो इस कार्बन को मैंने कवर्ड करा और ये मेरी प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गई। तो सेकंड स्टेप में हमने सीखा प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो जल्दी से ले लीजिए इस स्टेप का स्क्रीनशॉट, फिर हम स्टेप 3 पर मूव करते हैं। तो बात करते हैं हम अपनी स्टेप 3 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टेप 3, नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग, प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग हम कुछ इस तरह से करेंगे कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मियो नंबर मिले, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है देन मल्टीपल बॉन्ड को मियो नंबर मिले, मल्टीपल बॉन्ड में अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पर आ रहे हैं तो हम डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, देन कम नंबर मिले सब्स्टिट्यूएंट को, अगर सब्स्टिट्यूएंट भी सेम नंबर पर आ रहे हैं तो हम अल्फाबेटिकली उन्हें फॉलो करेंगे, जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा होगा उसे हम पहला नंबर देंगे, मिनिमम नंबर देंगे, जो अल्फाबेटिकली बाद में आ रहा होगा उसे हम बाद वाला नंबर देंगे। तो इस ऑर्डर को हमें फॉलो करना है जब हम क्या करेंगे नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, कि सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, देन मल्टीपल बॉन्ड को, देन सब्स्टिट्यूएंट को, और सब्स्टिट्यूएंट में भी कौन जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा होगा अगर जब वो सेम नंबर पर आ रहे हैं। तो इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं थ्रू एग्जाम्पल।
फर्स्ट एग्जांपल को अगर देखें तो सबसे पहले मुझे पहली स्टेप करनी है सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप देखिए सर, दो हैं, एक OH है और दूसरा NH2 है, एक अल्कोहल है दूसरा अमाइन है। तो इसे किस तरह से डिसाइड करें कि कौन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा? तो जाएं प्रायोरिटी ऑर्डर पर। प्रायोरिटी ऑर्डर में जो ऊपर आ रहा होगा वो हमारे लिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, जो नीचे आ रहा होगा वो हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो देखा भाई कि प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन पहले आता है? अल्कोहल पहले आता है, सबसे नीचे कौन आता है? अमाइन। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और ये मेरे लिए क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। सेकेंड स्टेप सर, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन मैं कुछ इस तरह से करूंगा कि अगर मेरे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो वो कवर्ड हो जाए, अगर नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड कवर्ड हो जाए। तो यहां पर मल्टीपल बॉन्ड है, मैंने यहां से करना स्टार्ट किया इसको, मैं मूव कर रहा हूं, ये मैंने मल्टीपल बॉन्ड कवर्ड कर लिया है और यहां पर आके मैं रुक चुका हूं, इस कार्बन पर आकर मैं रुक चुका हूं। अब मेरे पास दो डायरेक्शन है मूव करने के लिए, या तो मैं यहां जाऊं या नीचे मूव करूं। यहां जाता हूं तो एक कार्बन एटम कवर्ड होता है, यहां जाता हूं तो भी एक कार्बन एटम कवर्ड होता है, लेकिन उसी के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट कवर्ड होता है, तो मैं इधर मूव करूंगा तो ये मेरी प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्ट हो जाएगी। जो थर्ड पॉइंट आता है वो है हमारे पास नंबरिंग, कि जो हमने कार्बन चेन सिलेक्ट करी है उसकी हम नंबरिंग किस तरह से कर सकते हैं। हम दो तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं यहां पर, एक तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहां पर मैंने दो नंबरिंग करी है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो यहां पर मुझे यह सिलेक्ट करना है मैंने जो नंबरिंग करी है वो कौन सी सही है। तो नंबरिंग करने का जो ऑर्डर था वो ये था कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मिल चाहिए। तो यहां पर अगर जब मैंने ऊपर वाली नंबरिंग करी है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग मिली है मेरी 5, और नीचे वाली नंबरिंग करी है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग मिली है 3। मतलब हमें मिनिमम नंबर चाहिए, तो मेरी नीचे वाली नंबरिंग क्या है? सही है। ऊपर वाली नंबरिंग क्या है भाई? गलत है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर अगर सबसे पहले हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को ढूंढेंगे, कोई नहीं है भाई। सेकेंड स्टेप प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन, एक चेन दिख रही है, यही मेरी क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल कार्बन चेन। नेक्स्ट स्टेप मुझे मूव करना है नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। नंबरिंग में दो तरीके से कर सकता हूं यहां पे। पहली नंबरिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6 या फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर मैं ऊपर वाली नंबरिंग करता हूं तो पहली पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और नीचे वाली नंबरिंग करता हूं तो दूसरे पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। सर डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ट्रिपल बॉन्ड से? नहीं भाई, जब सेम नंबर पर आएगा तो डबल बॉन्ड की ज्यादा प्रायोरिटी है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। इससे पहले हमें सोचना है कि लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड को, चाहे वो मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऊपर वाली नंबरिंग क्या होगी? हमारी सही होगी, क्योंकि पहली पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है और नीचे वाली नंबरिंग में दूसरी पोजीशन पर आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगी। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड में हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, कोई यहां पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सेकंड स्टेप प्रिंसिपल कार्बन चेन का हम सिलेक्शन करेंगे, तो एक ही चेन दिख रही है, यही मेरी क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल कार्बन चेन। थर्ड स्टेप नंबरिंग करूंगा, नंबरिंग में दो तरीके से कर सकता हूं, 1, 2, 3, 4 और 5 या फिर 1, 2, 3, 4 और 5। अगर पहली वाली नंबरिंग देखें, ऊपर वाली नंबरिंग देखें, तो फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है और नीचे वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो उस केस में हम डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो ऊपर वाली हमारी नंबरिंग सही हो जाएगी और नीचे वाली क्या हो जाएगी भाई? गलत हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल को अगर देखें यहां पर, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है ये, सबसे पहली स्टेप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पहचानना, उसे सिलेक्ट करना। तो यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं भाई, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या करूंगा? प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो मुझे एक चेन दिख रही है कार्बन, तो ये मेरी क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल कार्बन चेन। थर्ड स्टेप पे मुझे मूव करना है, थर्ड स्टेप है मेरे पास नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो मैं नंबरिंग दो तरीके से कर सकता हूं, एक तो ऊपर वाली पहला, दूसरा तीसरा और चौथा, या फिर नीचे वाली 1, 2, 3 और 4। तो मुझे इनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सी नंबरिंग ज्यादा सही है।
तो ऊपर वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग दूसरे पर क्लोरीन आ रहा है और तीसरे पर ब्रोमीन आ रहा है, और नीचे वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग दूसरे पर ब्रोमीन आ रहा है और तीसरे पर क्लोरीन आ रहा है। तो मुझे अल्फाबेटिकली देखना पड़ेगा, जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा होगा वो नंबरिंग सही होगी। इसका प्रीफिक्स क्या होता है ब्रोमीन का? ब्रोमो। क्लोरीन का क्या होता है? क्लोरो। तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो का बी पहले आता है क्लोरो के सी से, तो मुझे इसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, ऐसे मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो नीचे वाली नंबरिंग क्या होगी मेरी? सही होगी। और ऊपर वाली नंबरिंग क्या होगी? गलत होगी, क्योंकि ऊपर वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग सेकंड पोजीशन पर क्या आ रहा है? क्लोरो। और नीचे वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग सेकंड पोजीशन पर ब्रोमीन आ रहा है, तो मुझे इसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। जब अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पर आता है तो हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर से देख सकते हैं। तो ये थर्ड स्टेप थी जिसमें हमने नंबरिंग करना सीखा प्रिंसिपल कार्बन चेन की। तो जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर आगे हम बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की। जय हो।